सीमा के उस पार चीन लगातार अपनी संचार प्रणाली को विकसित कर रहा है। उसका जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना भी 18,000 फीट पर 4G और 5G नेटवर्क स्थापित करने में जुट गई है, ताकि सुदूर पहाड़ी इलाकों से संदेश हासिल करने और देने में आसानी हो सके। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कई जगहों पर 5G नेटवर्क पहले ही स्थापित कर लिया है। चीन ने यह काम साल 2020 में लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद किया था। चीन ने बेहतर कम्युनिकेशन के लिए 5G नेटवर्क बिछा दिया है। भारतीय सेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि RFI जारी किया है, ताकि मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनियां वहां पर हाई स्पीड नेटवर्क वाला मोबाइल प्रणाली स्थापित कर सके। RFI के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, उसमें कहा गया है कि नेटवर्क का उपयोग भारतीय सेना के वो जवान करेंगे जो पहाड़ी, अर्ध पहाड़ी या 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हैं। ये नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो बेहद भरोसेमंद और सुरक्षित हो, ताकि सिक्योर वॉइस मैसेज और डेटा सर्विस उन्हें मिल सके। साथ ही ऑपरेशनल जरूरतों के मुताबिक संदेशों का आदान प्रदान करने में मदद हो। इस RFI में यह भी कहा गया है कि संचार कंपनी अपनी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद 12 महीने के अंदर नेटवर्क को स्थापित कर दे। इस नेटवर्क को उच्च प्राथमिकता के साथ स्थापित करना होगा, ताकि भारतीय सेना चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के संचार व्यवस्था को सीमा के इस पार कड़ाई से टक्कर दे सके। अगर भारतीय व्यवस्था कमजोर रह जाती है तो इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 4G और 5G नेटवर्क का उपयोग लद्दाख से लेकर LAC के आसपास कई स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। सड़क और ब्रिज लगातार बन रहे हैं। अगर इस तरह का हाई स्पीड नेटवर्क बन जाएगा तो भारतीय सेना की संचार प्रणाली में इजाफा होगा। तत्काल बैकअप बुलाने, संदेश पहुंचाने में और राहत कार्यों में काफी मदद मिल सकेगी। यकीनन जिस तरीके से चीनी सेना हाल के दिनों में अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, LAC के आसपास के इलाकों में तनाव बढ़ाने के लिए वो भरपूर काम भी कर रही है, उसके मद्देनजर भारतीय सेना का इस तरह का कदम उठाना वाकई सराहनीय है। भारतीय सेना की तरफ से भी लगातार LAC पर युद्ध स्तर पर काम जारी है और उसकी तैयारी ऐसी है कि चीनी सेना को वो मुंहतोड़ जवाब दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।